जेएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपेक्षा यादव। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। बाराबंकी के ब्लॉक देवा से प्रमुख पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जमुआसी ने जब भाजपा की तरफ से किया नामांकन और हमारे संवाददाता कुलदीप वर्मा ने जब भाजपा नेत्री अलका पटेल से पूछा कि बाराबंकी में 15 ब्लॉक हैं, 14 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा, एक ब्लॉक पे प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, अलका पटेल ने जवाब क्या कहा है, आइए देखते हैं बाराबंकी से कुलदीप वर्मा की इस रिपोर्ट में। जो है ब्लॉक प्रमुख पद के जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप यहाँ देवा में आए हैं, किस तरह का नामांकन हुआ है, किसके समर्थन में आप लोग यहाँ आए? मैं धर्मेंद्र यादव के समर्थन में आई हूँ और उन्हीं का पूरी बहुमत से समर्थन में कर रही हूँ और उनको जिता के देवा मंडल से प्रमुख बना के मिलाऊंगी भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर कार्य कर रही हैं? मैं कार्य समिति महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश में और मैं आज से ही मेंबर भारत सरकार उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा हूँ और बंकी देहात की में प्रभारी हूँ। क्या इस बार इस सीट पे मजबूती के साथ में कमल खिल जाएगा? जरूर खिलेगा और दोनों सीटें जीत के लाएंगे। दूसरी सीट कौन सी? प्रमुखी भी, एक तो जीत चुके हैं जिला पंचायती भी और प्रमुखी भी, जितनी मंडल की प्रमुख है वो मंडल सारे मंडलों के प्रमुख अपने भारतीय जनता पार्टी के बनाए जाएंगे, बनेंगे और जीत कर आएंगे। और मैं 2022 की भी बात कर रही हूँ तो 2022 भी फूल खिलेगा और 300 सीटें जिताएंगे। अच्छा, 15 ब्लॉक हैं जनपद में, तो 14 ब्लॉक पर क्यों चुनाव लड़ाया गया? वहाँ पर हमें प्रत्याशी नहीं मिल पाया जहाँ पे ब्लॉक मेरा खाली है। ठीक, धन्यवाद।